आखिर शनिदेव ने ऐसी क्या गलती की जिसके कारण भगवान श्री गणेश का सिर दर से कटके अलग हो गया। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। श्री गणेश के गज आकृति को लेकर प्रचलित कथा तो यह कि माता पार्वती ने स्नान से पूर्व एक बालक की आकृति बनाकर उसमें प्राण डाल दिया और उसे पैरे पर बैठा दिया था, जिसका शीर्ष भगवान शिव ने क्रोध में आकर काट गिराया था और फिर माता पार्वती को शांत करने के लिए एक हाथी के बच्चे का सिर जोड़ दिया गया था। लेकिन कुछ पुराणों में इसके अलग अलग संदर्भ पढ़ने को मिलते। ऐसी एक कथा ब्रह्मवर्त पुराण में, एक बार भगवान शिव के प्रिय शिष्य शनिदेव कैलाश पर्वत पर आए। उस समय भोलेनाथ ध्यान में लीन थे। शनिदेव माँ पार्वती के दर्शन के लिए पूछे, तब माँ पार्वती गणेश जी के साथ बैठी हुई थी। पुराणों अनुसार बालक गणेश का मुख इतना सुंदर और तेजमयी था कि उनके मुख दर्शन से सारे कष्ट दूर हो जाते थे। शनिदेव बालक गणेश के सुंदर मुख की ओर न देखते हुए आंखें नीचे किए माता पार्वती से बात करने लगे। जब माँ पार्वती ने देखा कि शनिदेव किसी को देख नहीं रहे, वे अपनी निगाहें नीचे किए हुए हैं, तब माता पार्वती ने शनिदेव से पूछा कि वे किसी को देख क्यों नहीं रहे, क्या उनको कोई दृष्टि दोष हो गया है। शनिदेव ने कारण बताते हुए कहा कि उन्हें उनकी पत्नी ने श्राप दिया है कि वह जिसे देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। माता पार्वती ने पूछा कि उनकी पत्नी ने ऐसा श्राप क्यों दिया, तो शनिदेव कहने लगे कि मैं लगातार भगवान शिव के ध्यान में मगन रहता हूँ। एक बार मैं ध्यान में था और मेरी पत्नी तृतीयकाल में निर्वस्त होकर मेरे समीप आई, लेकिन ध्यान में होने के कारण मैंने उसकी ओर नहीं देखा। उसने इस अपमान के बदले मुझे श्राप दिया कि तुम जिसकी ओर देखोगे उसका विनाश हो जाएगा। यह बात सुनकर माता पार्वती ने कहा कि आप मेरे पुत्र गणेश की ओर देखिए, उसके मुख का तेज समस्त कष्टों को हर देता है। शनिदेव गणेश पर दृष्टि डालना नहीं चाहते थे, लेकिन माता पार्वती के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने तिरछी निगाह से गणेश जी की ओर देखा। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश का सिर धड़ से कटकर नीचे गिर गया। तब भगवान विष्णु ने एक गज बालक का सिर श्री गणेश के सिर पर स्थापित कर दिया था। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।